नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका मॉनिटर है उसकी रिफ्रेश रेट कैसे बढ़ाया जाए। रिफ्रेश रेट बढ़ाने से मेरा ये मतलब है कि उसकी जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है वहाँ तक कैसे इनेबल किया जाए, क्योंकि विंडोज़ 10 60 पे इसको डिफ़ॉल्ट कर देता है और मुझे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मेरा मॉनिटर है दोस्तों LG का, जिसको मैं 2018 में ख़रीदा हूँ। ये आप देख सकते हैं LG मॉनिटर, IPS मॉनिटर है। तो मैंने कभी भी इसकी रिफ्रेश रेट से कोई छेड़खानी नहीं की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिफ्रेश रेट चेंज कैसे करते हैं। राइट क्लिक करिए, डिस्प्ले सेटिंग पे आइए और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, इस पर क्लिक करिए। तो अभी मेरे जो आप रिफ्रेश रेट देख रही है 75 है, ये मैंने कल की है। और इसको करने के बाद में मेरा कंप्यूटर पूरा लुक बदल गया, पूरा कंप्यूटर बदल गया। जो कलर है, कॉन्ट्रास्ट है, वो एकदम बहुत ज़्यादा हो गया और जो पिक्चर देखते फिल्म वो बहुत ही क्लीन दिख रही है और एकदम पूरा मॉनिटर चेंज हो गया। मैं इतने साल इसको टच ही नहीं किया, इतने साल मेरे 60 हर्ट्ज़ पे था, क्योंकि विंडोज़ ने इसको 60 हर्ट्ज़ पे लगा रखा था और मैंने कभी भी यहाँ आके देखा नहीं है कि मुझे 75 पे करना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों मेरा कंप्यूटर, मतलब रिफ्रेश रेट क्या होता है दोस्तों, इससे आपको स्मूथ दिखता है जितना है ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेरा तो स्मूथ को तो देखो ऐसी कोई चीज़ प्लान नहीं की मैंने 75 हर्ट्स वाली, लेकिन कलर का मामला दोस्तों इतना गजब इम्प्रूवमेंट हुआ मैं आपको अपने शब्दों में बता नहीं सकता। यानी पहले मेरे कलर 30% थे, अब मेरे कलर 100% हो गए, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी मॉनिटर हो उसकी सेटिंग चेक करिए। अगर आपके यहाँ सेटिंग पे 60 दिखा रहा है तो 60 ही रहने दीजिए, लेकिन अगर यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर है यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, तो उसको सिलेक्ट करिए और आप मुझे बताइए कि आपके कंप्यूटर में क्या चेंज हुआ। मेरे जो मॉनिटर है LG का, उसमें कलर बहुत अच्छे हो गए। तो अगर आपके भी जो मॉनिटर LG का है या किसी कंपनी का, एक बार चेक करिए, मैक्सिमम नंबर पर सेट करिए और देखिए क्या इंप्रूवमेंट आता है या नहीं आता है। इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कंप्यूटर संबंधी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए। थैंक यू।